आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत वेलकम भी है तो आज मैंने जैसे कि आप सब जानते हैं मैंने इससे पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर वन वो पैट्रिक्स होमवर्क पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा था और मैंने कहा था अगली वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी तो अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ इस चैप्टर के तो आइए शुरू करते हैं और इस वीडियो को प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाइएगा और जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा सो चलिए लेट स्टार्ट अवर वीडियो सो so, सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग विद द टेक्स्ट ये है पेज नंबर इलेवन पे The नीचे जो ये क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दीजिए बुक ये अगर हम स्कूल में होते तो ये हम एक्टिविटी करते वरना समझा देती उस एक्टिविटी में क्या है इस एक्टिविटी में जिस क्वेश्चन के आगे जो नंबर लिखा है और जिस टीम को जो नंबर मिलेगा वो टीम इस क्वेश्चन का आंसर देगी देन फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद व्हाट वाज इट रियली पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही है और रियली really में वो क्या थी मतलब असलियत में वो क्या था और पैट्रिक क्या सोच रहा था तो सबसे पहले हमारा आंसर मुझे पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद द लिटिल डॉग पैट्रिक ने तो सोचा कि उसकी जो कैट है वो तो छोटी तो तो सी गुड़िया के साथ खेल रही है इट वॉज बट इट वॉज इन फैक्ट ए वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ पर असलियत में वो एक छोटा साइज का आदमी था जिसे हम एल्फ कहते हैं ठीक है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है देन हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है वट डिड द लिटिल मैन ग्रांड पेटर के विश जो लिटिल मैन है उसने पेट्रिक को क्या विश ग्रांट करी क्या विश ग्रांट करी थी चलिए आइए हम देखते हैं पेट्रिक हैड सेव द टाइनी मैन्स लाइफ फ्रॉम द कैट बाय नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट सो ही प्रोमिस्ट टू फुलफिल वन विश ऑफ पेट्रिक देन इसका आंसर आएगा

पेट को उसके पास वापस नहीं दिया था और उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल भी करा था पैट्रिक ने आई एम राइट और नॉट आई एम राइट और नॉट मुझे कमेंट सेशन में बताइए बट उस पैट्रिक विच पैट्रिक की क्या इच्छा थी पैट्रिक hated doing homework. His greatest wish was that the little man should do all his homework till the end of the session. अब पैट्रिक आप सबको पता है पैट्रिक को होमवर्क से नफरत थी तो उसकी सबसे ग्रेटेस्ट विश थी सबसे ऊंची वाली विश थी सबसे मनपसंद विश उसकी उसकी थी जो लिटिल मैन है वो उसमें सारा होमवर्क करेगा जब तक उस सेशन एंड नहीं हो जाता ठीक है तो ये मैं थर्ड क्वेश्चन हो गया हूँ फोर्थ क्वेश्चन इन सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क तो मैंने आपको बताया था कि उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जरूरत पड़ती थी तो था द लिटिल मैन नीड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स इंग्लिश एंड ह्यूमन हिस्ट्री तो लिटिल मैन को उसकी मदद चाहिए थी। है मैथ्स इंग्लिश एंड ह्यूमन हिस्ट्री लिखे या हिस्ट्री लिखे दोनों सेम है देन आई अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन एंड गाइडेड हिम ही बॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट टू हिम पैट्रिक उसके पीछे पैट्रिक उसके साथ बैठता था और उसको गाइड करता था कैसे कैसे काम करना है उसको समझाता था, था कैसे कैसे काम करना है और वो लाइब्रेरी से बुक्स भी लाता था और उसके लिए ह्यूमन हिस्ट्री के पोर्शन भी पढ़ता था ठीक है तो पैट्रिक ऐसे लिटल मैन की हेल्प करता था देन क्वेश्चन है वो डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क द लिटल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ गिव रीजन फॉर योर आंसर अब पूछा गया है इसमें कि आप अब सोचकर बताइए कि पैट्रिक का, का काम पैट्रिक ने करा था यार उस लिटिल मैन ने करा था और हम इसके लिए रीजनस भी दे रहे हैं जो हमारा आंसर होगा आंसर इट वॉज पैट्रिक हिमसेल्फ वो एक्चुअली डिड ऑल द होम वर्क ही था जिसने अपना काम खुद एक्चुअली मतलब असलियत में करा था ही हैड टू हेल्प द अगेन एंड अगेन उसको बार बार हेल्प की मदद करनी पड़ती थी बार बार उसको गाइड करना पड़ता था बुक्स के साथ बुक्स की मदद से सो so, आज के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स इतने ही हैं एंड इससे ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं हैं सो so, कि सब लोगों को एंड क्वेश्चन है वर्किंग विद द लैंग्वेज मतलब हमारे ग्रामर द दिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद द द वर्ड्स और फ्रॉम बॉक्स इधर कुछ वर्ड्स दे रखे आपको सेमेस्टर बिटवीन यू एंड मी लुक अप मतलब बहुत सारे वर्ड्स है और पीछे आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए आपको अभी फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं तो ये समझते हैं सम पीपल पाइंड हाउस होल्ड डैश बोर बट आई लाइक टू हेल्प दैट एट होम तो देन सबसे पहले हम लोग सबसे पहले हम सारे क्वेश्चन रीड करेंगे देन उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था एंड अब मैं उसका मीनिंग भी समझा देती हूँ तो चलिए मीनिंग समझते हैं देन मीनिंग है इसका सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड कुछ आदमी अपना घर 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 ढूंढते अपना डैश ए बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम पर मुझे घर मैं बोर होती हूँ पर मुझे घर पर मदद करना पसंद है तो अब इसमें आंसर्स क्या आ सकता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे सेकेंड वो स्टोल diamond डायमंड स्टिल ए डैश किसने डायमंड को चुराया वो क्या है वो भी आंसर डिस्कस करेंगे हम दिस डैश वी आर गोइंग टू हैव ए क्लास एग्जीबिशन इस जिस मतलब इस डैश हम लोग क्लास के एक एग्जीबिशन पे जा रहे हैं किस चीज के लिए जा रहे हैं वो हम देखते हैं आंसर्स में डैश द एल्फ बिगिन टू हेल्प पैट्रिक जो एल्फ था उसने पैट्रिक की मदद करना शुरू करा कैन यू डैश दिस वर्ड्स इन द डिक्शनरी क्या तुम डैश ये वर्ड्स डिक्शनरी में है आई स्टार्टेड अर्ली टू बी ऑन टाइम मैंने जल मैंने स्कूल पर जल्दी आना शुरू करा बट आई वॉज पर मैं डैश देर वॉज अ ट्रैफिक जैम उधर एक ट्रैफिक जैम था सेवेंथ शी अ लॉट ऑफ बुक्स बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ़ देम आर बोर्ड मैं सोचती हूँ मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं पर उनमें से उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स बोरिंग है तो आप इनके आंसर्स देखते हैं ये देन फर्स्ट का आंसर है कोर्स सेकेंड का आंसर है मिस्ट्री थर्ड का आंसर है सेमिस्टर, फोर्थ का आंसर है ट्रू टू वर्ड्स, फिफ्थ का आंसर है लुक लुक अप आउट ऑफ लक, सॉरी फिफ्थ का आंसर है आउट ऑफ लक सिक्स का आंसर है लुकअप सेवेंथ का आंसर है बिटवीन यू एंड बी ओके हमारे आंसर क्लियर हो चुके हैं Then मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी इसके करा दिए हैं एंड तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड देन मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्रिएटिव कराऊंगी आपको जैसे कुछ भी पेपर से कोई भी एक्टिविटी पेपर से कुछ भी बनाने का हम काम करेंगे ओके देन बाय बाय और अपने अभ्यता का अगर, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बेलाइकिन को जरूर दबाइएगा और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा बाय बाय एवरीबडी